اللهم نعجل بسم الله. حضرات مجلس اعزاز اربعہ اعلان سماعت فرماؤ ان شاء اللہ کل مجلس اعزاز شروع کی ویسی بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد لله والصلاة على آلها اما بعد فقد قال الله تعالى وتبارك في كتابه المجيد وفرقانه الحميد بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الدین عند اللہ الاسلام. صلوات پڑھو محمد و آل محمد. میرے محترم اللہ دی ذات بڑی قادر مطلق ہے، وہ اپنے کماں وچ مجبور نہیں، کوئی وزیر کوئی نہیں رکھدا، نہ ان دا کوئی بوجھ ہلواون والا ہے، نہ ان دا کوئی مشیر ہے، بہت بڑی قادر ذات ہے، جیڑی شے چاہے خلق کرے، کئی شاید جرت نہیں کہ وہ انکار چا کرے، فرشتوں کو حکم چاہیے تھے چار قسم کی مٹی گھناؤ، میٹھی مٹی، کوڑی، کلر والی، بھائی ریت قسم کی مٹی جمع ہو گئی ہے، ارشاد قدرت ہوئے ایک تساں گوندھو گوندیا گئے، یہ اندا ایک بت بناؤ، مٹی دیا لتاں بناؤ، انگلیاں بناؤ، یہ اکھی والی جات ایویں ڈھیلے چا بناؤ، بھر بھٹ دی جات مٹی چا لاؤ، یہ مٹی دے کن بنا چھوڑو، اندیا بازو بنا چھوڑو، اندے آزا بنا چھوڑو، اندے پیٹ فلانی فلانی شے بناؤ، یہ ہے اس دی قدرت، ہے کیا مٹی. پہلے اعلان کیتا اس انی جاعل فی الارض خلیفہ، میں زمین وچ اپنا خلیفہ پیا بنے نا، گل سمجھتے بیٹھے ہو نا، کیا پیا بنے نا خلیفہ، انی خالق بشر من طین، میں مٹی دے وچوں ایک بشر بڑا بنے، انسان دی خلقت، ابو الانبیاء دی خلقت، ابو الائمہ دی خلقت کس وچوں ہے؟ مٹی. حضرت آدم کس وچوں خلق کیتے گئے؟ مٹی. جلے میں اپنی خلق کردہ روح، قرآن دے لفظ اپنی روح، اللہ روح نہیں، روحاں دا خالق ہے، سمجھتے بیٹھے ہو نا، اللہ نور نہیں، نوراں دا کیا ہے؟ خالق. اگر اللہ واسطے کتھے لفظ نور آئے تو ایویں آئے جویں قرآن نور ہے، نبی نور ہے، علم نور ہے، اللہ واسطے آئے اللہ نور السماوات والارض، میں اللہ آسمان اور زمین دا نور ہاں، مقصد کیا ہے؟ میں نے آسمان اور زمین کو ہدایت دے نال منور کر چھوڑے. قرآن نور ہے یا نہیں؟ بولو.
जल पिया हुए कमरे ते सारे को तो उवें बिजली घट है तो बिजली ना हो पीछे चमक होंगी है कुरान के अंदर मैं कि शायद तलाश कर दें दो बस मोमबत्ती का इंतजाम करे सो या अजकल आ गए मोबाइल उन्हां दी लाइट देसो कुरान नूर है किस एतबार नाल कि गुमराही दे वादे विचों कट के तक हिदायत दा रस्ता लिखेंदा है कुरान दे नाल बात को समझा करो मजलिस को सिर्फ वो आम मजलिस ना बनाया बस दादा ने छोड़ा तो क्या पढ़िया जी बड़ा पढ़िया क्या पढ़िया क्या बात है जी वड़े नारे लगन इन्हां बातों को छोड़ो कुछ हासिल करो ये सब बातें फजूल हैं बड़ा पढ़ गए ना करो पढ़ने वाले की तारीफ देखो मौला अली फरमा के गए बोलण वाले दे पासे ना देखो देखो आधा क्या बैठा है बोलण वाली बहुत बड़ी शख्सियत है उनकी कोई मोतबर नहीं देखो उनका कौल कैसा है कौल सही है तो बात सही कह रही है उनकी शख्सियत गुफ्तगू नाल है ना कि गुफ्तगू का दारो मदार उनकी शख्सियत नाल है गल समझ दे बैठो ना ये बात समझा करो मेरे भाइयों मैं चूंकि मेरी 70-72 साल उम्र है तो मखदूम साहब का हुक्म मान के मैं हाजिर थी गया तो ना तवानी का दौर है कुछ बात समझो जल्द मैं इन रूह पाव खलक करदा तुसा सीधा मैडा करना है सीधा उबूदियत सिवाय अल्लाह के किसी का जायज़ नहीं वो सीधा भी हजरत आदम का सीधा ना हो अल्लाह का सीधा हो इस पास रुख कर चो वो जिले रूह खलक करदा पाती इस वो मिट्टी को जात तौहीद ने अपनी कुदरत कामला दे नाल खून हड्डियां गोश्त पोश्त उस अखी दे विच रोशनी आ गई है वो मिट्टी वाले कन्ना च समात आ गई है गल समझ बैठो ये खाले के मुतलक है वो समझदा है जी ए मौला अली फरमाते हैं हजरत खुतबा दा एक जुमला है ए जब लिहाज़ल इंसान इस इंसान ते ताज्जुब करो यंजरु बिशहमा ए चर्बी नाल लेदा वदे यस्तामियु बिल अज़्म हड्डी नाल सुड़दा है हड्डी नाल ए कन्ना को देखो हड्डी है ये क्या है हड्डी इन हड्डियों के विच केड़ी जात है जिसने हड्डी विच सुलण की कुवत रखी है उस जात का नाम है अल्लाह उस जात का नाम क्या है इस चर्बी विच वेखण की कुवत रखी है उस जात का नाम क्या है अल्लाह वायत कल्लमो बिल्लाहम और गोश्त नाल जबान क्या है गोश्त है ये गोश्त नाल मैं अलेंदा बैठा और एक कै तासीर रखिए है वो गोश्त दा लोथड़ा लेकिन हर मुल्क की जबान अलहदा बढ़ाई मुख्तलिफ जबान बढ़ाने वाला अल्लाह है तो सुनाओ ये अंबिया दा कम नहीं अंबिया दा कम है हिदायत जबाना दे विच उस गोश्त विच इस सलाहियत पैदा कर छोड़ना कि थाई पश्तो है कि थाई अरबी है किसी जा कि फारसी है किसी जाते सरैकी है ये मेरे रब का कम है किसी होर बंदे का कम नहीं गल समझ आ गया नहीं समझ आई अल्लाह दी जात ने आदम को खल किया बच्ची मिट्टी चो एक मस्तूर खल कर छो उनकी जात जानती है कि इस इंसान वास्ते जड़िया मैं इन सलाहता वदीयत की जड़िया मैं इन सलाहता रखे जड़े ख्वाहिशात रखे जो कुआ मैं रख छोड़ियन इन वास्ते एक ऐसी सिनफ का होना जरूरी है जैद मानूस थी वे और दूहें औरत मर्द ही मेरी कायनात को आबाद करें गल समझ आती पी अल्लाह की जात ने हवा भी पैदा कर दी थी और मकसूद अल्लाह आया कि मैं इन्हों को भेजना जमीन पर है हुक्म ही दिता जन्नत दाखिल हो जाओ वो साढ़े एक होंगे मौली साहब उन्होंने जलसे भी कई सवाल किया कि हजरत आदम ते हजरत हवा का निकाह काए पढ़िया गल समझ दे बैठो हजरत आदम ते हजरत हवा का निकाह किसने पढ़िया उसने बड़े कर फर्ज दसिया
बस सिर हलामण वाली जनाब जहरा है, गल समझ आ गई ना। आदम की तरफों वकील जड़े हैं वो रसूल पाक हैं, और इन्हां दी तरफों हवा की तरफों मौला अलीहा हसनैन शरीफ हैं, गवाह हैं। इन्हें निकाह पढ़े बे कह पढ़िया, उस कौम दे अकल दा मातम करो जेड़ी औलादा को माँ और बाप दा निकाह पढ़वेंदी है। गल समझ दे बैठ, और उत्ता साड़ी कौम नारे मरे दिए, ओ फलक शिगाफ नारे शामियाने उठ दे नजर आवे। ये कहड़ा मजहब है, केड़े मुबल्ले ने कौन आ गए इतना जेड़े माम और बाप का निकाह औलाद को पे पढ़ दें। क्या मौला अली रसूल पाक हसनैन शरीफ हैं, जनाब जहरा हजरत आदम ते हजरत हवा दे औलाद नहीं हैं? बोलो है ना औलाद या नहीं? बात भी एक मौलवी उठा, बात वो सवाल किया भाई कह निकाह पढ़िया, उसने आया कि मौली साहब जरा कह गए ने पंच तन पाक ने पढ़िया है, बात गलत है। अगर अज का मौलवी थोड़ा बहु पढ़िया होया मौलवी, कच्ची पक्की अरबी जान वाला मौलवी, खबर इंशा का मफहूम समझ वाला मौलवी, दू गैर महरमे का निकाह च पढ़े, वह मर्द जरा हराम है औरत, जड़ी औरत हराम है मर्द, वह एक बहुत हलाल थी वेंदन। तो जिन्हें को अल्लाह प्या दे या आदम मुस्कुन अंत व जौजु कल जन्ना, ऐ आदम जा तू ही जा ते तेरी बीवी भी जावे, जाओ जन्नत जाओ। तो जिन्हें को जन्नत जिन्हें को अल्लाह प्या दे जा आदम है तेरी बीवी है, आए हवा है तेरा खामद है, फिर बैद निकाह दी क्या जरूरत आई? गल समझ आई है या नहीं आई? चूंकि असा उ चीज़ा दसनिया तुहा को जड़िया चीज़ा तुस दाद लेवो, तुस नारे मारो। सारे मजलसी जो बड़े बने और मजलसी बनने के बाद सारे दावत निकल सन, दावत के बाद सारा रेट बदसी, रेट के बाद मार्केट ही बढ़ वेसू, मार्केट के बाद पिछे अगू बात क्या सी? हाँ जी बतू नचा तुसी या क्या हो सी आप बेहतर। अल्लाह चाहता हा जाओ जन्नत रहो, इस दरस के करीब ही ना वजाए। हूँ अल्लाह का मकसद क्या? अल्लाह के इलम ही चाह, इन्हें वजना है, इन्हें जो अल्लाह को इलम ना, इन्हें वजना है, शैतान ने विश्वसा देवना है, इन्हें वजना है, और फिर मैं इन्हें को जन्नत चो कढ़ना है, बतौर सजा मैं इन्हें को मुख्तलिफ जहीते रखना है। 500 साल के बाद या कितने अरसे बाद इन्हें दा मिलाप ही थी सी, मैं जमीन दू ते इन्हें नस्ल पैदा करे सो बात समझ आ गई है ना? ये अल्लाह के इल्म में चाह, ये जेले मैडन आए फैजल शाह कोट दो रहने वाला, जेले अल्लाह ने मेरे को खल्क किते, मेरे बाप की अमानत को मेरी माँ के रहम के पास मुंतकिल किते, और अल्लाह के इल्म में चाह मेरे को खल्क करना है, ये भी अल्लाह के इल्म में चाह क्या कुछ करना है, लेकिन करना मैं अपने इख्तियार ना ले। अल्लाह का इल्म बंदे को मजबूर नहीं करेगा, बंदा बा इख्तियार रह वेंदा। अल्लाह को जो इल्म है उतना को पता हा खबर है, बाजा को शाह इतना पढ़ना है, तो तुहाड़े इल्म को मजबूर नहीं किया। भाई जाफर साहब को इल्म मैं दावा दी है, औसन उन्होंने इल्म मेरे को मजबूर नहीं किया घिनावर से, मेरे अपने इख्तियार चाहे मैं आवा या ना, अज पढ़ा या अज पढ़ी वादा कल ना पढ़ा, मेरा अपना इख्तियार है, मैं किसी का मजबूर। अल्लाह के इल्म चाह मैं इन्हें कुछ जन्नत भेजना पिया, और इन्हें खामना भी है समर, कल समझ आ गया ना, और मैं इन्हें कुछ जन्नत चो कढ़ना है, जन्नत कट के मैं इन्हें कुछ दुनिया से वसावना है, इन्हें दी नस्ल चलावनी। खलीफतुल अर्ज हा ना कि खलीफतुल जन्ना हा, जन्नत चला ना रखना इन्हें को हमेशा किते, और जन्नत खुल्द भी ना ही, दुनिया तो कोई ऐसा मकाम है जो कुछ जन्नत आख्या गया। गल समझ आ गई ना मेरे भाइयों, वो नस्ल बधाई अल्लाह ने,
ਹੁਣ ਅੱਲਾਹ ਜਾਣਦਾ ਬਈ ਮੈਂ ਇਨਸਾਨ ਵਿੱਚ ਹਿਰਸ ਰੱਖਿਆ ਹੈ, ਤਮਾ ਰੱਖਿਆ ਹੈ, ਲਾਲਚ ਰੱਖੀਏ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਨੇਕੀ ਦੀ ਕੁਵਤ ਰੱਖੀਏ, ਇਸ 'ਚ ਬੁਰਾਈ ਦੀ ਕੁਵਤ ਰੱਖੀਏ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਦਿਮਾਗ ਹੀ ਦਿੱਤੇ, ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨ ਹੋਵੇ ਜਿਹਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਤਹਿਤ ਇਹ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਗੁਜ਼ਾਰੇ। ਹੁਣ ਸਮਝ ਆ ਗਈ ਹੈ, ਬਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਤੁਹਾਡੀ ਹਕੂਮਤ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ, ਅਮਲ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਬਈ ਬਾਤ ਹੈ, ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ। ਹਾਂ, ਉਸ ਕਾਨੂੰਨ 'ਤੇ ਅਮਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਕਾਨੂੰਨ ਇੱਕ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਬਣਾਇਆ ਇਸ ਅਮਲੀ ਨੇ ਬਹਿ ਕੇ। ਹੁਣ ਅੱਲਾਹ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਵਾਂ ਅਤੇ ਉਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਤਹਿਤ ਇਹ ਕਿਆ ਗੁਜ਼ਾਰਨ ਜ਼ਿੰਦਗੀ। ਹੁਣ ਉਹ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਤਫਵੀਜ਼ ਅਗਰ ਅੱਲਾਹ ਤੁਹਾਕੂ ਦੇ ਦਿੰਦਾ ਔਲਾਦ ਆਦਮ ਕੋ, ਮੈਂ ਕੋ ਦੱਸੋ ਉਹ ਕਾਨੂੰਨ ਸਹੀ ਬਣੇ ਹਾਂ? ਬੋਲੋ, ਸਿੰਧ ਵਾਲੇ ਆਖਣਾ ਐਸਾ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਓ ਸਿੰਧੇ ਦਾ ਫਾਇਦਾ, ਪੰਜਾਬ ਵਾਲੇ ਆਖਣਾ ਐਸਾ ਕਾਨੂੰਨ ਪੰਜਾਬੀ ਦਾ ਫਾਇਦਾ, ਹਿੰਦੂ ਆਖਣਾ ਐਸਾ ਕਾਨੂੰਨ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦਾ ਫਾਇਦਾ, ਅਰਬ ਆਖਣਾ ਐਸਾ ਕਾਨੂੰਨ ਅਰਬੇ ਦਾ ਫਾਇਦਾ, ਔਰ ਫਾਰਸੀ ਵਾਲਾ ਆਖਣਾ ਐਸਾ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਓ ਜੋ ਈਰਾਨੀਆਂ ਦਾ ਫਾਇਦਾ। ਹਰ ਮੁਲਕ ਦੇ ਲੋਕ ਵਸਤੇ ਆਪਣਾ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਵੇ ਨਾ, ਜਿਹਦੇ ਤਹਿਤ ਆਪਣੇ ਮੁਫਾਦਾਤ ਦਾ ਤਹਾਫੁਜ਼ ਕਰੇ ਨਾ, ਦੂਜੇ ਦਾ ਤਹਾਫੁਜ਼ ਨਾ, ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਮੁਫਾਦਾਤ 'ਚ ਹੀ ਆਪਣੇ ਇਲਾਕੇ ਵੱਲ ਤਹਫੁਜ਼ ਕਰਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਬਰਤਰੀ ਦੇਵੇ ਨਾ ਆਪਣੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਅਜ਼ੀਜ਼ਾਂ ਕੋ, ਇਹ ਮੇਰਾ ਅਜ਼ੀਜ਼ ਐਸਾ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਮੇਰੇ ਅਜ਼ੀਜ਼ਾਂ ਕੋ ਫਾਇਦਾ ਪਹੁੰਚੇ। ਅੱਲਾਹ ਫਰਮਾਇਆ ਕਾਨੂੰਨ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਣਾ, ਕਾਨੂੰਨ ਮੈਂ ਬਣੇ ਸਾਂ, ਮੈਂ ਲਮ ਯਲਿਦ ਵਲਮ ਯੁਲਦ ਵਲਮ ਯਤਖਿਜ਼ ਸਾਹਿਬਤੁਮ ਵਲਾ ਵਲਦਾ, ਨਾ ਮੇਰਾ ਬੇਟਾ ਹੈ, ਨਾ ਮੈਂ ਕਹੀਂ ਦੀ ਔਲਾਦ ਆ, ਨਾ ਮੇਰਾ ਕੋਈ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਨਜ਼ਦੀਕ ਸਾਰੇ ਬਹਿਸੀਅਤ ਮਖਲੂਕ ਬਰਾਬਰ ਹੋ। ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਣਾ, ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਮੈਂ ਅੱਲਾਹ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ, ਔਰ ਕਾਨੂੰਨ ਐਸਾ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਮੁਸਾਵੀ ਹੋ ਸੀ। ਹਜ਼ਰਤ ਇਮਾਮ ਜਾਫਰ ਸਾਦਿਕ ਅਲੈਹਿਸ ਸਲਾਮ ਖੜਨ, ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ ਵੀ ਗੱਲ, ਅਤੇ ਹਜ਼ਰਤ ਖੜਨ ਅਸਾਦ ਉੱਤੇ, ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਸੋਟੀ ਭੁੱਲ ਆਇਆ ਵਹਿ ਗੱਲ 'ਚ, ਹਜ਼ਰਤ ਖੜਨ ਅਸਾਦ ਉੱਤੇ ਅਤੇ ਆ ਗਿਆ ਅਬੂ ਹਨੀਫਾ, ਹਜ਼ਰਤ ਦੇ ਸ਼ਗਿਰਦ ਵੀ ਆਏ, ਵੱਡੇ ਕਿਆ ਦੇ ਮੌਲਾ ਜ਼ਈਫ ਸੀ, ਗਏ ਹੋ ਮੌਲਾ ਜ਼ਈਫ ਹੋ ਗਿਆ, ਹਜ਼ਰਤ ਜ਼ਈਫ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਅਤੇ ਸੋਟੀ ਕਿਉਂ ਰੱਖੀ ਹੁੰਦੀ ਹੋ? ਹਜ਼ਰਤ ਇਹ ਉਹ ਅਸਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਨਾਨੇ ਦਾ ਹਾ ਸਾਡੀ ਜੱਦ ਦਾ ਹੈ, ਨਬੀ ਦਾ ਅਸਾ ਹੈ, ਬਤੌਰ ਤਬਰੁਕ ਹੱਥ 'ਚ ਹੈ। ਹੁਣ ਫਰਜ਼ ਕਰੋ ਮੌਲਾ ਇੱਥੇ ਖੜਿਆ ਅਤੇ ਉਹ ਉੱਥੇ ਜਿਵੇਂ ਭਾਈ ਬੈਠੇ ਉੱਥੇ ਖੜਾ, ਉਹ ਵਧਿਆ ਅੱਗੇ, ਜਿਹੜੇ ਨਜ਼ਦੀਕ ਹੈ ਹਜ਼ਰਤ ਅਸਾ ਪਿੱਛੇ ਚੱਕਦੇ, ਅਦੇ ਬਹੁਤ ਅਫਸੋਸ ਹੈ। ਮੌਲਾ ਫਿਰ ਕਿਉਂ, ਕਿਸ ਗੱਲ ਦਾ? ਇਹ ਅਸਾ ਪਿੱਛਾ ਕੀਤੇ ਵੇ, ਮੈਂ ਬੋਸੇ ਗਿਨਾ ਹਾਂ। ਹਜ਼ਰਤ ਫਰਮਿੰਦ ਕਿਉਂ ਗਿਣਦਾ? ਇਹ ਅਸਾ ਨਬੀ ਦੇ ਹੱਥ 'ਚ ਰਹਿ ਗਏ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਬੜਾ ਕੀਮਤੀ ਅਸਾ ਹੈ, ਨਬੀ ਦੇ ਹੱਥ ਦਾ ਮਸਤੀਆ ਹੋਏ, ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਬੋਸੇ ਗਿਨਾ। ਤੇਰਾ ਇਮਾਮ ਫਰਮੈਂਦੇ ਊ ਲੱਕੜ ਦੇ ਬੋਸੇ ਗਿਣਦੇ, ਜਿਹੜੀ ਨਬੀ ਦੇ ਹੱਥ 'ਚ ਰਹਿ ਗਈ, ਇਹ ਹੱਥ ਜੋ ਨਬੀ ਦਾ ਹੱਥ ਹੈ, ਇਹ ਹੱਥ ਕਹਿੰਦਾ ਹੱਥ ਹੈ, ਗੱਲ ਸਮਝ ਆ ਗਈ? ਇਹ ਤੂੰ ਇਹ ਮੇਰੇ ਬੋਸੇ ਨਹੀਂ ਗਿਣ ਸਕਦਾ, ਮੇਰੇ ਅੱਧਾ ਬੋਸਾ ਜਾਗਿਆ। ਬਸ ਹਜ਼ਰਤ ਖੁਦ ਨੇ, ਖੁਦ ਹਜ਼ਰਤ ਨੇ ਗੁਫਤਗੂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ, ਹਜ਼ਰਤ ਹਨੀਫਾ ਅਬੂ ਹਨੀਫਾ ਮੈਂ ਸੁਣਿਆ ਹੈ, ਤੂੰ ਕਿਆਸ 'ਤੇ ਅਮਲ ਕਰਦਾ ਹੈ? ਕਿਆਸ 'ਤੇ? ਅਦੇ ਜੀ ਆ, ਕਿਆਸ 'ਤੇ ਅਮਲ ਕਰਦਾ। ਹਜ਼ਰਤ ਫਰਮਾਇਆ ਮੈਂ ਕੋ ਦੱਸ, ਤਾਕਤਵਰ ਮਰਦ ਹੈ ਜਾਂ ਔਰਤ? ਬੋਲੋ, ਤੁਸੀਂ ਚਾਹ ਦੱਸੋ, ਤੁਸੀਂ ਫਰਮਾਓ ਹਾਜ਼ਰੀਨ ਸਾਮੀਨ, ਮਰਦ ਤਾਕਤਵਰ ਹੈ ਜਾਂ ਔਰਤ ਤਾਕਤਵਰ ਹੈ? ਮਰਦ ਤਾਕਤਵਰ ਹੈ, ਔਰਤ ਤਾਕਤਵਰ ਨਹੀਂ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ? ਅੱਛਾ, ਉਸਨੇ ਜਵਾਬ ਇਹੋ ਦਿੱਤਾ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਬੇ ਤਾਕਤਵਰ ਕੌਣ ਹੈ? ਮਰਦ ਹੈ, ਔਰਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਤਾਕਤਵਰ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੈ। ਹਜ਼ਰਤ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸ, ਤੂੰ ਕਿਆਸ 'ਤੇ ਅਮਲ ਕਰੇ ਨੇ, ਕਮਜ਼ੋਰ ਕੋ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੱਕ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜਾਂ ਤਾਕਤਵਰ ਕੋ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੱਕ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ? ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ, ਹੱਕ ਕਹਿੰਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ ਜੀ? ਗਿਲਾਨੀ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦੀ ਦੌਲਤ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰ ਕੋਲੋਂ ਟੁੱਕਰ ਖਾਵਣ ਹੋਵੇ? ਬੋਲੋ, ਹੱਕ ਕਹਿੰਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ? ਮਜ਼ਦੂਰ ਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਆਦੇ ਔਰਤ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਹੱਕ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਹਜ਼ਰਤ ਫਰਮੈਂਦੇ ਔਰਤ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਹੱਕ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਤੈਦੀ ਰਾਏ ਮੁਤਾਬਿਕ, ਮਰਦ ਤਾਕਤਵਰ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਅੱਲਾਹ ਨੇ ਕੁਰਾਨ ਫਰਮਾਏ, ਯੂਸੀ ਕੁਮੁੱਲਾ ਹੋ ਲਿਜ਼ਾਕਰ ਮਿਸਲੋ ਹਜ਼ਲ ਉਨਸਯਨ, ਪੁੱਤਰ ਦੇ ਦੋ ਹਿੱਸੇ ਨੇ ਬੇਟੀ ਦੀ ਤ੍ਰਿਹਾਈਏ। ਅੱਲਾਹ ਨੇ ਤੈਦੀ ਅਕਲ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਕਿਉਂ ਫੈਸਲਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ? ਚਾਹੀਦਾ ਤਾਂ ਇਹ ਆ ਜੋ ਔਰਤ ਦਾ ਕਿਆ ਹੋਵੇ, ਦੋ ਹਿੱਸੇ ਹੋਏ ਨਾ,
तीन बीघे जमीन चो दो कह को मिलन, बेटी को मिलन, एक बीघा कह को मिले, बेटे को मिले, लेकिन अल्लाह ने उल्टा हुक्म दे दिता है, ऊ देते पुत्र से दो बीघे बेटी दी आई, पर तेरा अकल तो खत्म हो गया ना, तू कर अगा क्या। हजरत ने मोमिनीन 70 मसला बयान किया है, कितनी मसला, 70 मसला बयान किया है, 70 मसला, ये 70 मसला ये क्या से खिलाफ है। अरे सरकार वजाहत करो, ये पहले मसले की हजरत ने की थी वजाहत। हजरत फरमाते हैं चूंकि बेटे दूते अपनी बीवी का बोझ हमला हा, बेटे दूते क्या हमला, बीवी का बोझ, दू हिस्से कि खड़े बेटा बाप को लो, उदी बीवी होमन वाली बीवी त्रिहाई घिन क्या सी कहते को लो, अपने बाप को लो, किति हिस्से बन के डुहाए को लो त्राए, इडो ईदी बेटी वेंदे ई बैख अपने शोहर का क्या बनने बोझ, त्रिहाई की थी वेंदे कहते को लो बाप को लो, उडो ऊंदा होमन वाला शोहर दू हिस्से अपने बाप को लो की थी गिरड़े, लिहाजा ऊंदे भी त्रै हिस्से, ईदे भी त्रै हिस्से, अल्लाह की तकसीम सही है, तुहाडा क्यास गलत है। समझ आती पी, अल्लाह की तकसीम क्या है, सही है, तुहाडा क्यास क्या है, गलत, ऐसे क्यास नहीं होने चाहिए। हूँ तो खैर अस अगर टपे गए, हूँ तो बेटियां बह वेंदियां ई वास्ते शादियां नहीं करें दे जमीन वैसी, गलत बैठा था, जमीन लगी वैसी बेटी दी शादी करें दे आए, ये पांच मुरब्बे जमीन वेंदी बच्चे दे हिस्से दे क्या राशि, ना ना तो इस्लाम ये नहीं आता, ऊंदा मालिक अल्लाह है ते इंदा मालिक ही, जिस रब ने माँ के शिकम में तुहा को रिस्क दिते वो दुनिया से लू हथ लू पैर अखी दे वन के बाद तक दे वन के बाद लू रोटियां ला दे सकता, ये कानून कौन बने सी, अल्लाह, अल्लाह ने वो कानून बनाए, उसी कानून का नाम इस्लाम है, कहीं वेले वो कानून सोफ आदम की शक्ल चाहे, कहीं वेले वो कानून सोफ इब्राहिम की शक्ल चाहे, कहीं वेले वो कानून तौरात की शक्ल चाहे कानूनी किताब, कहीं वेले इंजील की शक्ल चाहे, कहीं वेले अल्लाह को माफी मंगण का तरीका दुआई वो जबूर की शक्ल नाजिल थे, और किसी वक्त कुरान की शक्ल चाहे, ये कुरान तुहारा इस्लामी कानून है, ये नबी का बढ़िया होया नहीं, ये जेना चो कढ़ देवो, मतलब तुसा समझो नबी ने बनाए, नबी ना इदे विच ओ यानी नाखून दे जितने नाखून दे पुठ जीती हिस्सा नहीं, जो तुसा तकसीमा करो जरा भर नबी दा कानून बढ़ावने च हिस्सा नहीं, बढ़ावना कानून कहदा कम है अल्लाह दा, नबी दा कम है पहुँचावना, नबी वाज़े इस्लाम नहीं, नबी मुबल्लिग़ इस्लाम है, नबी का मान है खबर देवन वाला, नबी ने तो आता अल्लाह की खबर तुसे पहुँचाइए, लेकिन याद रखो नबी अमीन हुंदन, नबी खायन दीन च नबी अमीन होंदे, और दुनियावी मामलात च नबी क्या होंदे, अमीन होंदे, हर नबी आदम को गिन के खातम तक तमाम अंबिया अमीन, उन्हें वाही पहुँचाई सारी सही, कि थाई ना घटाइए ना वधाइए, ना एक हर्फ कम किया है, जो नाजिल था है वो मखलूक तक पहुँचाए, और दुनियावी मामलात है कि नबी क्या होंगे, अमीन। ये दसवां इतना मेरे बहुत सारे अहबाब ही बैठे तो शेह मियाँ तो उसको साढ़ा इमें समझना घर जो पढ़े उठा यहाँ से, मैं मौला गुलाब अली शाह साहब रिजवानुल्लाह अलहदा शगिरदा समझते बैठे ना, तो मेरे भाई हो ये मेरे को दसो, अगर तुसा मैं को कत्ल करना चाहते हो तो तुहाड़े अमानता पहले मेरे को लो, पहले अमानता चैसो या मैं को कत्ल करे सो बोलो, पहले क्या चैसो, हमारा पीछे मैं कत्ल करे सो ना, ये तूड़े काफिर हैं मुशरक ही ने मक्का है हैं मुशरक, लेकिन अमानता कहने को नबी को लो हैं, रात दाऊ दा घर दा मुहासरा की खड़े इको कत्ल करे सो, तारीख नहीं दसें दी जो उन्हें अमानता की ध्यान, उन्हें को यकीन आ ए जरा वड्डा अमीन है, ए जरा वड्डा अमीन है, इकू कत्ल कर दे सू सारी अमानत जाए ना थी सी, ए हा अमानत
जेड़ा नबी नबी कतल हो इसी लेकिन अमात सारी जाए न गल समझ आ रही है ना हमारा जाए ये उन यकीन हो चुका और चुनाचे हजरत रसूल पाक दे के गए अमानता कह तू मौलाए अमीर और ये भी ऐसा मी नहीं जे अमानता रसूल लिते वे अमानता उन्हें तक पहुँचा के गए उस वक्त तक मक्का न छोड़ा जब तक के हजरत ने अमानता उन्हें लोगों तक नहीं गल समझ आ गई है ना एक कानून काय बढ़ाने अल्लाह काय बढ़ाने भाइयो अल्लाह एक कानून अल्लाह बड़े सी इस्लामी कानून काय बढ़ाए अल्लाह एक कुरान कायदा फरमाने अल्लाह इन वास्ते कि अगर एक कुरान मैं अल्लाह ना बढ़ेंदा मेरा बयान करदा ना हो गया तो तुसा इंदे बहुत सारा इख्तलाफ पावो अगर मुस्तफा का अपना कलाम हो गया इख्तलाफ हो गया फिर उनको कौन मजबूर करा ये बात ई कर ये बात ई कर लेकिन मैं अल्लाह का कलाम है कोई नहीं मजबूर कर सकता ये हुक्म तस्लीम कर ला पोसी और बड़ा कैदी खातिर आ खुदा साड़ी खातिर ठीक है ना हूँ असा तक किमें पहुँचावे ना तुसा खुदा तक मैं समझे आवे दुरुचा पढ़ो मुहम्मद वाले मुहम्मद साहब हूँ मेरे पास तवज्जो रखा है मैं इवें ये नहीं जो तल्ली बाटिया गाड़ी बैठा रस्ता इन भी बहस है ये खुदा ने कहा तो पहुँचा उड़े साढ़े तक और खुदा दी मार्फत दे साकू जेरे तरीके खुदा दिते न कहीं शायद मार्फत दे पहचान दे अखा अगर वो काबिले देखने तो असा अखा दिते नस समाज दे काबिल है तो साकू कान दिते नस चखर दे काबिल है तो साकू जबान दिती है सुंगर दे काबिल है तो साकू नक दिते सी अगर टटोलर दे काबिल ये पतला है बारीक है मोटा है खुरदला है तो अथवा को हाथ दिते ने ये जेरे पांच तरीके ते को खुदा दिते न ये पंजे तरीके अल्लाह दी मार्फत बेकार वो ही नहीं समझे ना अल्लाह दे अखन अल नजर आंदा ना कन अल को सुन समझो ना जबान अल खुदा को तुसे चख समझे आवे ना तुस हथ दे नाल खुदा को टटोल समझे आवे ना नक नाल उंदी खुशबू सुन समझे आवे तुहाडे पंजे तरीके बेकार मेरा अल्लाह बत किवें करे से मैं तुहाडे विचो नबी पैदा करे से गल समझ आंदी पई है ना चिड़िए करो ना चिड़िए करो ना कहीं नलका वर कीती ना गुस्सा कीता ऐ मेरी कौम कुरान पढ़ आदम को लोग इनके खातम तक 1,24,000 अंबिया भी बशर है और उन्होंने औसिया भी बशर है समझ आती भैया और इस गल मैं फख्र समझदा आखड़ मेरे को किसी का खौफ नहीं वाजे बैठा था किसी मेरी बात पसंद आवे या ना आवे चूंकि मैं कुरान की तकजीब नहीं कर सकता मैं कुरान के आयात को किमें जुठलावा गल समझ आ गई है ना मैं कुरान को क्यों जुठलावा सूरत जुमा पढ़ी वे नमाज जुमा च पेश नमाज पढ़ दें तुसे उ पढ़ दो सो कुरान हो वल्लज़ी बासा फिल उम्मीयीना रसूलन मिनहुम मैं तुहाडा ओ रब्बा बासा मैं भेजे फिल उम्मीयीना मक्के दे रहण वाले च रसूलन मिनहुम रसूल उन्हें दे विचो ये रसूल जरा मैं भेजे ये कोई जिनात चो नहीं आया ये फरिश्ता नहीं मिनहुम खानदान कुरैश चो है अब्दुल मुतलिब दा पोता है अब्दुल्ला दा बेटा है आमना दा लखते जिगर है अबू तालिब दा भतीजा है बशरिन लेकिन अपनी गंदी बशरीयत को दे के इन्हें आला बशरीयत का इनकार ना कर समझ आ रही अपनी गंदी बशरीयत को दे के मेरे भाइयों सारी बशरीयत चोरी गीबत बदकारियां गुनाह है गुनाह और मखलूत है जो मुजस्मा गुनाह इन्हें आला बशरीयत इन वास्ते इमाम शाफिया दे अली बशर कैफा बशर
एलियन बशर कैफा बशर कद तजल्ला फीह रब्बहु वज़हर अली बशर है बस आपने तो सवाल किए अली कैसा बशर है आदे कद तजल्ला फीह रब्बहु वज़हर अली ओ बशर है जद देखल खुदा याद आंदा है नारे हैदरी गल समझ जानी पई है ना ओ मेरे भाईओ अपने होश जे रखो कुरान दे नाल अपने मुआफकत पैदा करो शिया कौम कुरान की तिलावत कर हदीस उवा सही होंगी जी कुरान के मुताबिक हो अगर कोई हदीस कुरान के मुताबिक नहीं मैं जट आदमी हाँ मजा बात समझो उन्हें पहले बात माँ नहीं बढ़ाओ कोई माना नहीं बनता कुरान के मुखालिफ आ गई है तेरा मासूम ही माफ में दे दीवार से सड़ाओ साडा कौल है ना साढ़े नाने की हदीस है गल समझ आ मैं तुहाड़े विचों नबी पैदा करी सी अच्छा वो नबी पैदा करने नहीं तो नबी बढ़ावने मेरा अल्लाह वो असा कुचा दे इख्तियार अस अच्छा बढ़ाओ इस्लाम काय बढ़ाए अल्लाह कानून इस्लाम काय बढ़ाए अल्लाह हूँ जरा असा तक पहुँचे सी वो भी हो सी साढ़े विचों लेकिन उनके दो जंबे होंगे दो हैसियत होंगे एक उनके ऐसी पावर होंगी है कि अल्लाह को गिंद है भाई बशरी पावर होंगी तो आपको लेंदा है उन्हें मामे चाचे पूरा खानदान तुहाड़े विच मौजूद है क्या अबू लहाब हुजूर दा चाचा नहीं बोलो ये चाचा अब्बास चाचा है हारिस अबू लहाब दा बेटा हजरत दा चचाजाद भाई है क्या बनू हाशिम दे लोग सारे उनके रिश्तेदार हामियादान है तुहाड़े विचो लेकिन ऐसा बने पिया ऐसा आदम को घिनके ईसा तक कुल अंबिया एक लख चवे हजार एक कम मुस्तफा दी नबुअत ईमान ना गिना वन मैं इन्हें को नबुअत जो खारे कर दे सा गल समझ दे भाई वास्ते कुरान चाहे थे आया ही अंबिया तुहाड़े किसी दे दौर च मैं आखिरी नबी भेज देवा अपने नबूत खत्म कर दिवाए उनकी नबूवत दूते ईमान के नवाए और उसकी मदद भी कराए और इस मुहद उत्ते मैं भी गवाह मेरा अल्लाह भी गवाह है फरिश्ते गवाह हैं अगर तुस हट गए होए तुहाड़े दौर चाहे व तुस अपने नबूत बाकी रखा उनकी नबूवत के कायल न थी होए गल समझदा बैठे ना थी होए तो मैं तो आपको नबूत वाला ताज छेक गिनसा गल समझ आ गई है ना बशरे बशरीयत का इनकार ना किया करो बशरीयत अंबिया का इनकार बशरीयत अइमा का इनकार मैं वाजे बैठा दा कुरान का इनकार और कुरान का इनकार कुफर लम यलिद वलम युलद रो सूरह तौहीद पढ़ दियो हर दूजी रकात अलहम्दुलिल्लाह पढ़ दियो लम यलिद वलम युलद अल्लाह की जात है ये नाजिल नहीं थी दे अपने बाप की सुलभ चो पैदा होंगे समझ आती पी है नाजिल नहीं थी दे कुरान नाजिल थे कुरान का बाप है बोलो कुरान की कोई बीवी कुरान जो कोई बेटा कुरान जो कोई रिश्तेदार नाजिल थे इमाम नबी नाजिल नहीं थी जड़ा सटेज हुसैन से आखे इमाम नबी नाजिल थी दे ओ काबिल नहीं सटेज त्यावे जाहिर है हजरत अली जबन अबी तालिब को आख्या गए दुनिया दिए जो तुहाड़ा बाबा जन्नत जनावे सी ए मर्रा वजो हूँ अली दा चेहरा सुरख हो गए गुस्से तू फरमिदे आ अभी फिनार वबनू कसीमो नारे वल जन्ना क्या मेरा बाबा जहन्नम में चुए सी जैदा पुत्र जन्ना तो जहन्नम डामण वाला है हैं ओ अली ते अबू तालिब दे बाप होमर दुते फख्र कर दे वो जाहिल इंसान तू आके आधा खड़े सटे जाते और दुनिया खड़ी सुन दिए क्या अबू तालिब हजरत अली दा बाप ही नहीं कल समझ दे बैठे हो बात समझा करो अगर तुसा ई हालत जो है जड़ी तुम्हारी हालत है तो याद रखो ये जिस कौम च इल्म खत्म थी वही सफ़े हस्ती तू मिटवाई थी सफ़े हस्ती तू मैं इस्लामी मैं बढ़ावना है जरूर चपड़ो मोहम्मद वाले मोहम्मद इस्लाम
कानून में बड़े सा और कानून जरा तुसा तो पहुँचो सी उनका इंतखाब ही लेकिन हो सी तुहाड़े विचो लेकिन चंद सिफात तुहाड़े को मुमताज हो सी क्या हो सी मुमताज जुदा हो सी भाई देखो नबी दिया दो जिंदगी एक 40 साल की जिंदगी कबल अज नबूवत समझाए बात नहीं एक है बाद अज ऐलान नबूवत मैं को दसो 40 साल की जिंदगी भाई मुश्ताक हुसैन मेरे पास लिख 40 साल की जिंदगी बिच नबी ने कहीं सूदी दे कोलो वही बैठा है बोलो कहीं शराब नोशी वाले बंदे कोलो वही बैठा है जबकि मक्के में शराब आम है सूद आम क्या नबी करीम कम तुरन वाले वाले कोलो वही बैठे क्या नबी करीम बुद्ध परस्ता दी महफिल वही बैठे 40 साल नबी ने तमाम बुराएं को नफरत की थी अमली तवली की थी 40 साल अपने अमल नाल साबित की थी सूद खोर दे को बाना ठीक नहीं अमल नाल साबित की थी शराबी को बाना ठीक अमल नाल साबित की थी झूठे को बाना ठीक असर तो पैसे देने जिन्हें झूठ बोलने आप बोल अशरा मुहर्रम आ गए बोल झूठ लाए पैसे क्या सारा मजहब ही हुआ क्या सारे इन्हें अकला का मातम करना चाहिए और मैं तो कोई वली का खुतबा ही सही सुने सा कि मौला फरमाए उस दौर सारू तो ज्यादा झूठ बोलिया भी सी नाजरू बलागा तो खुतबा सुने सा जाए वेखड़ा हो जाके नाजरू बलागा पढ़े ना तेरे तेरे को तो बहुत बढ़िया चीज़ा कुरान तेरे घर नाजरू बलागा जैसी फसी हो बली तुहरे घर उस अली वली का कलाम उस अली वली दा जरा फरमे दे लम उशरक बिल्लाह तुरफा ता ऐन मैं अख झपक दी जीती देर शिरक कराह नहीं की तो इस अली वली दा कलम मैं इल्म देसा क्या देसा इतना इल्म रेसा कुराए अजदा उंदे दौर दा नबी दे जमाने दा कोई बंदा सवाल करे सी जवाब जनाक सी मैं नहीं जानदा जेड़ा आखे मैं नहीं जानदा वो हर शाय बन सकदे ना नबी ही भी ना नबी दा जानशीनी भी ना इमाम भी उंदी पहली सिफत उसी ए जेड़ा आलिम उसी दुनिया दा कोई बंदा उसको ला जवाब नंबर दो माओ को इस्मत दे सा क्या दे सा मासूम उसी इस्मत दा मफहूम मेरे भाइयों ये नहीं मेरे बात समझ आ गया पाए तुहाडा जहन कबूल करेंदा पाए अच्छा जरा समझो इस्मत दा ये मफहूम नहीं है कि भाई वो मजबूर हों दे इमाम नबी नेकी ते मजबूर हों दे जेड़ा बंदा नेकी ते मजबूर थी वे उदा कमाल ही नहीं मादरजाद अंधा जरा पैदाइशी अंधा है वो जो आखे मैं अज ते पराई औरत निगाह नहीं पाती ये उंदा कमाल है कमाल तो उंदा है जे अखी होवेन होवे यूसुफ मकान इकल्ला होवे और जद घर खड़े वो बाख्तियार वो दावत देवे यूसुफ मेरे करीब थी वो फरमदे तेरे करीब थी ना रब को दूर थी ना हजरत यूसुफ ना जवान हो तुम्हारे तो अल्लाह हुज्जत बनाए वह धमकी दीती है जेल पा दिसाई मेरी दरख्वास्त कबूल ना की तो बत हजरत यूसुफ फरमदे मेरे को अल्लाह काफी है मेरे को अल्लाह क्या है अजय सोने अखी मेरे पैसे देख हजरत फरमदे वो अखियां जिरे छिकीज वेसन निगाह सलब कर गिने जेले करे चाहे कर सकता है नबी इमाम गुनाह दी ताकत रखे दे करेंदा नहीं समझे बैठो बात इस्मत दा मफहूम गुनाह दी ताकत रखे दे करेंदा नहीं इमाम तरके नमाज दी ताकत रखे दे नमाज न पढ़े ओ ताकत ही तर कर दी भी लेकिन करेंदा नहीं
बल्कि इतनी इबादत करें दे, इतनी इबादत करें दे, इतनी जो 24 घंटे में 1000 रकात पढ़ दे। गल समझ दे वो खुदा दे बंदे शियो तो जुमला सुनाई वेना। एक ईसाई आ गया, ईसाई इमाम अली रिजा को गल को समझाए जी वो ईसाई आ गया इमाम अली रिजा आगा सर तो शिव गिन मैं फिर तो थोड़ा जाए गल करके कौन आ गए ईसाई। उन्हें पहला सवाल किया है कि तुम्हारा जद मुस्तफा अफजल है या हजरत ईसा। हजरत सुन मैं ऊँ ईसा को मने दा जरा सारी जद की नबूवत ईमान रखता है। ईसा अच्छा बंदा है, अल्लाह का नबी है। फिर ईसा के लू ए बेन किती लू गल समझते पे होना डू क्या है ना डू ऐब कैद हजरत ईसा आ क्या कहे इमाम अली रिजा डू ऐब वो भड़क गए जोश च आ गए सारे नबी दे डू ऐब हजरत सुन हाँ दो हैं कहीं वेले रोज़ा छोड़ देंदा ते कहीं वेले नमाज छोड़ देंदा चूंकि ईसाई मने दन खुदा हजरत ईसा की उलूहियत दे कहल तो जो इमाम अली रिजा फरमाए कदा ही रोज़ा छोड़ लेता और कदा ही नमाजा भी छोड़ लेता दे क्या दे क्या बैठे आ दे ईसा वो शख्स है अल्लाह का वो बंदा है जरा सारी रात इबादत करें दे देंदा रोज़ेदार है मेरा आका फरमे दे तेरी अकल तो है फे जरा बैदा सीधा प्या कर दे खुदा नहीं वो अब्द है। ओ शिया जेड़ा अली हजार रखा 24 घंटे पढ़े डू 2100 डू सीधे जरा 24 घंटे दें दे वो खुदा है। बोलो वो खुदा है जैदे पुत्र बीमार थी वेन आप जी बतूल अहलिया दुआ बैठे मंगदन मन्नत बैठे मने दन बारे ला तू इना कोई शिफा दे असा त्रै त्रै रोजे रखे सू ए अमल दसेंदा पे शिफा दे हुण अल्लाह दा कम केड़े पासे जांदे पे क्या वदे करे ने मैं उनको क्या देसा इसमत देसा इसमत नबी मजबूर नहीं बल्कि क्या होंगे मुख्तार होंगे खुद मुख्तार है मजबूर नहीं मासूम होंगे है। फिर मैं उनके हाथ दुते ऐसे एक गल करके खत्म ऐसे फेल जाहिर थी सन जैद उत्ते बनी नोए आदम कादिर ना हो सी इंसान कादिर ही ना हो सी सारी कायनात दे इंसान वो काम ना करे सन जेड़े काम खिलाफ आदतें बशरिया मैं उनके हथ ते जाहिर कर ले गल समझ दे बैठो बस छोटी जी गल जंगल चौदह बद्दू तो पकड़िए चागू हो क्या पकड़ा है आ गए नबी को गोह को वा छुपाई बड़ी तुंद निगाह नबी तो उस डिठे जरा बंदा नबी तो उस देखे हजरत तले दे दिया पर जरा ना चाह के रुख ना चाह वेहा हजरत उनके पास देखते घटन वो रुख ना चाहता है बस जल अपनी तकरीर खत्म कर चुके मैं को खौफ है तेरे कबीले तो मेरे कबीले जंग छड़ वे सी उन्हें दिल आ दे तलवार दे नाल मैं तेरा सर कलम कर देव ये क्या ढोंग रचाई ये कड़ा दीन कहना है असा अबाओ अजदाद जिन दे पूजा करने असा वह कह छोड़ दियो हजरत चुप की थी मेरे कोई गुस्सा नहीं कोई गाल नहीं जल चुप की थी नबी एक लफ्ज है कि असलम तो इस्लाम ए रब भाई इस्लाम कबूल कर मैं तेरी फलाह दा जामिन हूं मैं तेरी फलाह दा क्या हूं एक लफ्ज वत को उनके जहन गल बह गया तो फलाह दा जामिन ये जड़ी वड़ी जमाना दुनिया और आखरत थी हजरत दुनिया और आखरत थी अदे जंगल चो पकड़ी बदा गोह ये तेरी नबूअत का कलमा चा पढ़े मैं तो नबी मने ना बस छोड़ी जो इस गोह कोई पालतू तो ना ही मस्जिद नबी पल्ली तो कह नहीं हो ना कहीं दे घर च रहा है वो जानवर आ जंगल का वो बस निकती है कहीं दे मूढ़े तो टप्पिए कहीं दे सिर तो टप्पिए
कोशिश की थी समझने को आप आपको बचावा शायद हो सकते कहीं दी झरीट आई हो तो खून ही वड़ पिया हो सकते महिला जुमला है किताब है गई है नबी देखता बैठे जल्द दरवाजा है मस्जिद से उन्हें पहले रू कदम गए ना नबी फरमाया आयो अजब अक मिले लिया वजन वाले को वापस आ ये हैवान को का शौर दिते सड़ वाला नबी है आम इंसान नहीं ये हैवान को गो को शौर देवन वाला मेरा अल्लाह है आम बंदा तक नहीं प्या सदा नबी प्या सदे गल समझ आती पी है वो वापस आइए बड़े इतमान ना बड़े इतमान ना बस आइए हजरत के सामने खड़ गई है पिछले लत्ता दिते दो अगले पैर अपने समेटी खड़ी है बड़े निगाह नाल देखती खड़ी है हजरत सुन मन रबुक ये हूँ मोज जाए मन रबुक तेरा रब कौन है गल समझते पे होना हूँ कदाई गोह ही अरबी बोलेंदी है बोलो कई कॉलेज पढ़ी आई कई मदरसे अरबी पढ़ी आई या अल्लाह नबी फरमाए मर रब तेरा रब कौन है जात तौहीद ने एक जंगली जानवर की जबान को अरबी तब्दील कर छोड़े ओफ आदि है मैडा रब वो जाते को हक नबी बढ़ा के भेजे ये मोजे मोजे का फायर कौन है अल्लाह कौन फायल है अल्लाह मोजे का फायल है मर रब तेरा रब कौन है आदि पे वो है जाते को हक नबी बढ़ाए मैं कौन हाँ हजरत ना दशियस हजरत बाबे ना दशियस हजरत हाशम के तक लगी गई दीन ही मैं बड़े सौ दीन दे पहुंचाने वाले का इंतखाब ही मैं और वो इतना इलम ले सा कि अहले अर्ज को आजज ना थी थी और खिलाफ आदत फेल उन्होंने हथ से जाहिर करे सो मेरे भाइयों टाइम थोड़ा है तो वतन बड़ी प्यारी शह है जहरा दे पुत्र को इवें प्यारा जिमें तुहा को प्यार समझ दे बैठे एक जाई दिल च सोचा कर तुहा को कब्र दे रिश्ते प्यारे हुसैन को प्यारे को ना वो नाने की कब्र जरा मूढ़े ते चाहता है रसूल की जिंदगी तक मौला अली को अब अनंत सदें दे अगर इमाम हसन सदया तो आख्या या अबल हुसैन इमाम हुसैन सदया मौला अली को तो या अबल हसन बाबा जहरा दे बाबे को सदे दे रसूल को सदें ये जहा शफीक नाना ऐसी शफीक उम्मा माँ शफीक भिरा इमाम हसन मदीने जा गलियां मस्जिद नबवी जो इमाम हुसैन आंदा पैते पैर दे विच कुर्ते दा पांद अड़े झण पैन रसूल खुतबा छोड़े हुसैन को चातस मेरे भाइयों इस स्टेज की हुरमत का ख्याल करो गलत बेना ना होवेन बस जल्ले वलीद को गए थे वो खत लिखाए थे इमाम ने जवाब लिते इन्ना अहलो बैत नबुवा अस अहले बैत नबुवत है व मादिन रिसाला अस नबुवत दिकान है व मुख्तलफुल मलाइका मलाइका दे सारे घर मलाइका दी एक फौज आंदी है भाई वापस वैंदी है अस ऐसे बंदे दी बैत नहीं करनी बस वल्ला हजरत ने दो राती नाने दी कब्र ते पहले जाड़े गए रात दा आदे नाना मजबूर थी कि तेरी कब्र पे छुड़े ना दादा मजबूर थी खड़ा हजरत को थी रोंदे रोंदे नींद आ गई सम गए कोई नबी कब्र दे बाहर नहीं आया बात सही आखनी चाहिए ख्वाब च नाने पिछानी चुमिए आदे हुसैन शाह अल्लाह यरा का कतीला अल्लाह का फैसला है अल्लाह तक देखना चाहते मकतूल तीन ताबत सी शाह अल्लाह यरा निसा का असीरा तेरे मस्तूरात को कह उसारा कह दी देखना चाहता है ते वत आए माँ दी कबर दे बड़ा अजीब लफ्ज है फरख आदन बच्चे को माँ को निशा क्या जो मैं 57 साल का तेरा पुत्र आया खड़ा बल्कि आधे अना फरख हो के मैं तेरा वो छोटा हुसैन आया माँ को वह बचपन याद खड़ा नहीं वे
या उमा सलाम अलैक, उमा मेरा सलाम होगी अना फर्क हो कि मैं तेरा छोटा हो जाएगा खड़ा अम्मा मैं तेरी कब्र छोड़ी बैठा। मेरे भाइयों मौला अली दा खुद बेच फिक्रा ही वे अमल किताब वहां मिलहू तरी दाने मनफे आने कुरान ते कुरान दौर आसी कुरान ते कुरान दा हामिल हकीकी आलिम उन्हें को भजा दिता भी सी उन्हें को टोर दिता भी सी किथाई वेसन पढ़ा कि पढ़ा कोई ना देसी अगर मदीने वाले हुसैन दा साथ देना हुसैन मदीना ना छोड़िया अगर मक्के वाले देना तो इमाम हुसैन मक्का भी ना छोड़े इन्ने लोग इदा साथ ना देना दलील है कि इमाम दा कोई साथी मुआमिन मददगार ना रह गया अल्लाह लानतुल्लाह कौम जालिम।